हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है हमारा अपठित गद्यांश, जिसको हम इंग्लिश में अनसीन पैसेज भी बोलते हैं। तो इसमें आपको पैराग्राफ्स दिए रहते हैं, उस पैराग्राफ को आपको रीड करना है। उसके बेसिस पे ही आपको प्रश्न दिए जाएंगे, जिनके उत्तर आपको इस पैराग्राफ में से ही फाइंड करने हैं और उनको लिखना है। तो सबसे पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझते हैं और फिर इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकें रखने का कक्ष। मैं आपको बता देती हूँ, हम इंग्लिश में पुस्तकालय को लाइब्रेरी बोलते हैं। तो पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकें रखने का कक्ष। हर स्कूल और कॉलेज में पुस्तकालय होता है। पुस्तकालय में ना केवल किताबें होती हैं, बल्कि अखबार, पत्र पत्रिकाएं, चार्ट आदि भी होते हैं। लोग पुस्तकालय में बैठकर मनपसंद किताबें, अखबार और पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। हमारे स्कूल में एक बड़ा पुस्तकालय है। उसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं की हजारों पुस्तकें, शब्दकोश, मानचित्र आदि हैं। बीच में एक बड़ी मेज है। हम वहीं बैठकर किताबें और पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। तो पत्र पत्रिकाएं, दैट मीन्स हमारी मैगजीन्स भी होती हैं लाइब्रेरी में, मैप्स भी होते हैं, बुक्स भी होती हैं। तो ये सब चीज होती है लाइब्रेरी में, ये बताया है हमें इस पैराग्राफ में। अब आगे बढ़ते हैं। बुधवार को हमारी पुस्तकालय की कक्षा होती है। दैट मीन्स जैसे स्कूल्स में होता है ना कि वीक में एक स्लॉट इस तरह से होता है, जिस जो हमारी लाइब्रेरी क्लास होती है 1 घंटे का या 15 मिनट्स का। जैसे जैसे स्कूल में आपके पीरियड होते हैं, उस हिसाब से एक जो होता है स्लॉट, हम क्या करते हैं लाइब्रेरी का भी बनाते हैं। तो वो वेडनेसडे में होती है। हमारे अध्यापक भी हमारे साथ आते हैं। हमें तस्वीरों वाली कहानी की किताबें पढ़ने में मजा आता है। दैट मीन जिन बुक्स में पिक्चर्स होती हैं, कलरफुल पिक्चर्स होती हैं, उन्हें पढ़ने में मजा आता है। तो इसको अगर आपको पढ़ने अभी आप प्रश्न उत्तर करने के लिए तैयार नहीं है, तो एक बार उसको दोबारा पढ़िए, उसके बाद ही प्रश्न पढ़िए और उसका उत्तर लिखिए। वैसे बहुत अच्छा टॉपिक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। पहला प्रश्न है हमारा, पुस्तकालय में क्या क्या चीजें होती हैं। हमने अभी पढ़ा है पुस्तकालय में किताबें, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, शब्दकोश, मानचित्र, चार्ट आदि होते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, बच्चे कहाँ बैठकर पढ़ते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि बीच में एक मेज रखी होती है, उस पर पढ़ते हैं। बच्चे पुस्तकालय में बड़ी मेज के पास कुर्सी पर बैठकर पढ़ते हैं। ये सारे उत्तर हमें पैराग्राफ में से ही लिखने हैं। जो भी हमें पैराग्राफ में दिया है, उसके बेसिस पे ही आंसर लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से लिख दें या आप कहीं पे बैठकर पढ़ते हैं तो आप उसको लिख दें, वो चीज नहीं लिखनी है। जो भी पैराग्राफ में दिया है, उसके बेसिस पे ही आपको आंसर लिखने हैं। हमारी पुस्तकालय की कक्षा कब होती है? पैराग्राफ में बुधवार दिया है तो बुधवार ही लिखना है। ऐसा नहीं है आपकी सोमवार को होती है तो आपने सोमवार लिख दिया। जो पैराग्राफ में दिया है वही हमें लिखना है। हमारी पुस्तकालय की कक्षा बुधवार को होती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारे पास, बच्चों को कैसी पुस्तकें पढ़ने में मजा आता है। हमने पढ़ा था तस्वीरों वाली, बच्चों को रंगीन तस्वीरों वाली कहानी की पुस्तकें पढ़ने में मजा आता है। पुस्तकालय किसे कहते हैं? हम जहाँ पुस्तकें, अखबार और पत्र पत्रिकाएं रखते हैं, उसे पुस्तकालय कहते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो पठित गद्यांश के ऊपर। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।